नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज जंक्शन में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को एक बार फिर से टीम इंडिया ने खो दिया है और साउथ अफ्रीका ने 3-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के लिए ये मैच बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस मैच के दौरान उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं। और क्विंटन डी कॉक ने अपने आखिरी मैच में शतकीय पारी के साथ इंडिया के फॉर्मर कैप्टन सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इसी के साथ दो भारतीय खिलाड़ी भी हैं जिनको क्विंटन डी कॉक ने पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस मैच के दौरान क्विंटन डी कॉक ने अपनी शतकीय पारी के दौरान कितने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आकर और आपको बताते हैं क्विंटन डी कॉक की शानदार पारी और रिकॉर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज डी कॉक ने रविवार को केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में शतकीय पारी खेली और उन्होंने 130 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्कों के सहारे से 124 रन बनाए। अपनी शानदार पारी के बाद डी कॉक ने महान बल्लेबाज जो है सचिन तेंदुलकर उनका वर्षों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो चलिए नंबर वन पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्विंटन डी कॉक ने सचिन तेंदुलकर के किस पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच बायलेटरल वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी तक सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 5 शतक लगाए थे, लेकिन उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब इंडिया के खिलाफ 6 शतक लगाकर क्विंटन डी कॉक सचिन से आगे निकल गए हैं। बता दें कि डी कॉक ने 109 गेंदों में अपना ये शतक पूरा किया है। नंबर दो, दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने सबसे तेज 6 शतक पूरे करने के मामले में वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, और साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज डी कॉक ने किसी एक सामने वाली टीम के खिलाफ सबसे तेज 6 शतक पूरे कर लिए हैं। उन्होंने इस मामले में सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि सहवाग ने 23 पारियों में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज 6 शतक बनाए थे, जबकि क्विंटन डी कॉक ने भारत के खिलाफ केवल 16 पारियों में ही 6 शतक जड़ डाले हैं। नंबर 3, दोस्तों क्विंटन डी कॉक का भारत के खिलाफ वनडे में अब तक का ये 6ठा शतक था और उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है, जिन्होंने वनडे में इंडिया के खिलाफ 6-6 शतक लगाए थे। लेकिन इस मामले में अभी भी श्रीलंका के सनत जयसूर्या के नाम भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है, क्योंकि जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 85 पारियों में 7 शतक ठोके थे। नंबर 4, दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे करियर का 17वां शतक लगाने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिनके नाम वनडे में बतौर विकेटकीपर दूसरा सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था। इस मामले में श्रीलंका के कुमार संगकारा अभी भी टॉप पर हैं, जिनके नाम बतौर विकेटकीपर 23 शतक दर्ज है। 5, साउथ अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी लगाने के मामले में डी कॉक तीसरे नंबर पर आ गए हैं दोस्तों, और वो हर्षल गिब्स की बराबरी करने में भी सिर्फ एक ही कदम दूर हैं, जिन्होंने अपने करियर में ओपनर के तौर पर 18 शतक लगाए थे। तो वहीं पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला इस लिस्ट में 23 शतकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं। नंबर 6, दोस्तों डी कॉक ने अपनी शतकीय पारी के दौरान भारत के खिलाफ 1000 वनडे रन भी कंप्लीट कर लिए हैं। वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच में सबसे तेज 1000 रन तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बता दें कि डी कॉक ने 16 पारियों में 66.67 के एवरेज से 1000 रन बनाने का भी कारनामा कर दिखाया है। नंबर 7, दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने सबसे कम पारियों में 17 सेंचुरी बनाने के मामले में भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन को भी पीछे छोड़ दिया है। शिखर धवन ने ये आंकड़ा 129 पारियों में किया था, जबकि डी कॉक ने 127 पारियों में इस मुकाम को छू लिया है।
देखा दोस्तों आपने कि साउथ अफ्रीका ने एक तरफ तो वनडे सीरीज के इस मुकाबले को भारत से जीत लिया है, तो वहीं क्विंटन डी कॉक ने अपनी शतकीय पारी के साथ ये सारे ही रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं और इन बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देख रहे हैं क्रिकेट टाइम गुरु, सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। शुक्रिया। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।